अस्सलामुअलैकुम। हमारी ज़मीन पे 250 से ज़ायद मुल्क आबाद हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पुराना मुल्क कौन सा है? आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे पुराने मुल्कों के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, एथोपिया। एथोपिया अफ्रीका का एक मुल्क है। एथोपिया को दुनिया का कदीम तरीन मुल्क माना जाता है। एथोपिया में मिलियन साल पुराने इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। एथोपिया के एक शहर से 32 लाख साल पुराना इंसानी ढांचा दरियाफ्त हुआ है। इसके बाद दुनिया के अलग अलग कोनों से इंसानों का DNA इस ढांचे के साथ मैच किया गया, जो कि मैच हो गया। मतलब लाखों साल पहले हमारे आबा व अजदाद एथोपिया में रिहाइश पजीर थे। नंबर 2, ग्रीक। ग्रीक में 2,70,000 साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। ग्रीक की इस वक्त आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा है। इस मुल्क का रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया का 95वां बड़ा मुल्क है। नंबर 3, पुर्तगाल। पुर्तगाल साउथ यूरोप का एक मुल्क है। इस मुल्क में भी कदीम तरीन ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 9,212 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये मुल्क दुनिया का एक कदीम तरीन मुल्क माना जाता है। नंबर 4, जापान। जापान को आज दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से जानती है। जापान भी दुनिया के एक कदीम तरीन मुल्क है। इस मुल्क में भी हज़ारों साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 3,70,977 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से 61वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 12 करोड़ के लगभग है। नंबर 5, इजिप्ट। मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है, दुनिया का एक कदीम तरीन और पुरसरार तरीन मुल्क है। इस मुल्क की तहजीब दुनिया की सबसे पुरसरार तरीन तहजीब है। ये मुल्क अपने अहरामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क का टोटल रकबा 10,10,408 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 10 करोड़ के लगभग है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरिया नील भी इसी मुल्क में बहता है। नंबर 6, चाइना। चाइना की तहजीब भी दुनिया की कदीम तरीन और पुरसरार तरीन तहजीब है। चाइना में भी हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुल्क आने वाले दौर की सुपर पावर है। नंबर 7, सन मरीनो। ये मुल्क दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, मगर इस मुल्क में भी हज़ारों साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 61 स्क्वायर किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से 192वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की टोटल आबादी 33,000 के करीब है। नंबर 8, ईरान। ईरान में भी हज़ारों साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 16,48,195 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 17वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 9, इंडिया। भारत की तहजीब भी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इस मुल्क में भी हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। भारत रकबे के लिहाज से 7वां और आबादी के लिहाज से 2रा बड़ा मुल्क है। नंबर 10, फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत मुल्क है। फ्रांस का टोटल रकबा 6,40,679 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 42वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 7 करोड़ के नज़दीक है। इस मुल्क में हज़ारों साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 कदीम तरीन ममालिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।